तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को कोलकाता के तृणमूल भवन में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में 10 शपथ की बात कही गई है। टीएमसी के घोषणा पत्र को दीदीर शपथ पत्र यानी दीदी का शपथ पत्र का नाम दिया गया है। टीएमसी घोषणा पत्र में CAA को रद्द करने और NRC को समाप्त करने का वादा किया गया है। टीएमसी के घोषणा पत्र में राशन समेत कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया गया है। BPL परिवारों को साल में 10 मुफ्त रसोई सिलेंडर देने का वादा किया गया है। वहीं घोषणा पत्र में कहा गया है कि बंगाल में इंडिया गठबंधन टूट गया है, लेकिन केंद्र में गठबंधन सरकार का वादा किया गया है। कोलकाता स्थित टीएमसी कार्यालय में टीएमसी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य, डेरेक ओब्रायन और अमित मित्रा ने जारी किया है। पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि अगर तृणमूल गठबंधन भारत के साथ सरकार बनाती है तो वो इन सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। बंगाल में इंडिया गठबंधन टूट गया है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर तृणमूल इंडिया गठबंधन के साथ है। केंद्र जानबूझकर बंगाल को वंचित कर रहा है। अमित मित्रा ने कहा कि अगर विपक्षी दल इंडिया केंद्र में सरकार बनाता है तो CAA और NRC को खत्म कर दिया जाएगा। उनकी पार्टी TMC सभी धर्मों से प्यार करती है और नहीं चाहती कि लोग धार्मिक आधार पर बटें। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गुट जीतता है तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नागरिक संशोधन अधिनियम और समान नागरिकता संहिता नहीं होगी। हम सभी भेदभावपूर्ण कानूनों को रद्द कर देंगे। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा। बंगाल की कन्याश्री परियोजना की तरह ही पूरे देश में लड़कियों को 1,000 रुपये दिए जाएंगे और महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को प्रति माह 1,200 रुपये दिए जाएंगे। घोषणा पत्र जारी करते हुए मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि 100 दिन के काम के लिए 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। देश भर में हर किसी के पास अपना घर होगा और हर घर में राशन पहुंचा जाएगा। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लोगों को 10 गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए जाएंगे। हमारी प्रतिबद्धता है कि सभी की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। अनुसूचित जाति के लिए उच्च शिक्षा और वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की जाएगी। स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित न्यूनतम सब्सिडी मूल्य किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रशिक्षकों को ट्यूशन और छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति 25 वर्ष तक दी जाएगी। छात्रों को शिक्षा के अवसर के लिए क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की कन्याश्री योजना के तर्ज पर पूरे देश में ये योजना लागू होगी और 10 लाख रुपये की बीमा योजना शुरू की जाएगी।